वैली और ख़ास तौर पर हमारे रोहिंग के निवासियों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। पिछले 10 दिनों से हमारे ज़िला लॉकडाउन से गुजर रहा है और प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि इस लॉकडाउन को और 7 दिन बढ़वाया जाए। इसकी आवश्यकता थे हमारे बढ़ते हुए कोविड के संक्रमण को मद्देनज़र रखते हुए ये सही निर्णय लिया गया और इसको हम स्वागत करते हैं। मैं उसी के साथ साथ मैं रोहिंग की जनता को भी तहे दिल से धन्यवाद देने चाहता हूँ कि आपने इस पूरी प्रक्रिया पर हमारे प्रशासन को पूरी सहयोग किया। आपने प्रशासन की जितने भी हिदायत जितने भी आदेश थे उनको पालन किया और एक सच्चे और अच्छे नागरिक के तौर पर आपने अपने कर्तव्य निभाया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं इस पर ख़ास तौर पर ज़िला प्रशासन को भी धन्यवाद देने चाहता हूँ जिसके नेतृत्व में हमारे जितने भी डॉक्टर्स हमारे नर्सेस हमारे पुलिस और अन्य कर्मचारी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है हमारा जनता को सुरक्षित रखने के लिए आपके सेवा में है निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारे पूरे लोअर दिबांग वैली की जनता की तरफ से मैं आप सभी को अधिकारियों को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। लॉकडाउन अपने आप पे एक स्थाई सलूशन नहीं होता है। वो आवश्यकता इसकी आवश्यकता होता है लेकिन वो एक परमानेंट सलूशन नहीं होता है। लॉकडाउन एक माध्यम होता है जिसके ज़रिए बढ़ते हुए संक्रमण की जो गति है उनको थमाने के लिए और जितने चेन्स है उनको तोड़ने के लिए। पर इस महामारी से लड़ने के लिए हमारे सबसे बड़ा जो हथियार है वो है वैक्सीनेशन। केंद्र सरकार ने जो घोषणा किया है कि जो 45 ईयर्स से आयु से ऊपर है वो अपने आप को टीकाकरण करवाए और जो 18 साल के हैं मैं आशा करता हूँ कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द टीका उपलब्ध करवाएंगे ताकि आप टीका लगवा सकेंगे। टीकाकरण का जो है इसका अपना ही महत्व है। मैं इसको एक दूसरी प्रकार से आपको एहसास दिलाने कोशिश करूँगा। एक यात्री थे जो एक अनजान गांव से गुजर रहे थे तो अचानक उन्हें 3 गुंडा मिला। 3 गुंडों ने उन्हें घेरा और उनको लूटने के लिए उनको मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। तो उस यात्री ने चिल्लाया और अपने हाथ को ऊपर उठा के कहा कि देखो मैं तो एक निहत्या आदमी हूँ, मेरे पास ना बंदूक है ना मेरे पास पिस्तौल है ना मेरे पास चाकू है, तो मुझे बख्श दीजिए। तो इसी वक्त में जो गुंडे का सरदार था उन्होंने कहा कि आपके पास ना बंदूक है ना पिस्तौल है ना चाकू है, तब तो आप मेरे काम करने के लिए और भी हमें और भी एहसान करा दिया हमारे लिए। तो इसी तरीक़ा से वैक्सीनेशन जो होता है हमारे शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच के काम करता है। इस वायरस के जंग पे हमें एक हथियार दिलवाता है। इसी तरीक़ा से हमारे जो मास्क है और जितने भी अत्याधिक बरतना है वो हमारे लिए एक दूसरी हथियार है जिसको हम भरपूर इस्तेमाल करना है। तो अंत में मैं आशा करता हूँ कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें एहतियाती बरतें और हम उन हमारे अपने लोगों को जो इस कोरोना से गुजर गया है उनके परिवार को भी हम संवेदना व्यक्त करते हैं।